हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। आज जो हम बात करेंगे क्लास 10 के जो मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 3.5 की ओर हम चलेंगे। उससे पहले हमें जो है सीखना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, तो इसमें जो है एक्सरसाइज जो है इसमें इसका यूज हो रहा है। इसके बेस पर जो है इसमें सवाल दिए गए हैं, पहले हम इसको सीखेंगे उसके बाद एक्सरसाइज पर जाएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल इक्वेशन मैं लेता हूँ a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इजिकल टू जीरो, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन लेता हूँ a2x प्लस का b2y प्लस का c2 जीरो, ये दो इक्वेशंस है, है ना। तो इसका इस विधि का कब यूज करेंगे हम, जब इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, जब इसका जो है एक हल होगा। तो एक हल के लिए क्या कंडीशन होती है, जो इसके कोफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। जब ये इक्वल नहीं है तो इसको क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई की वैल्यू जो है एक ही आएगी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब बढ़ते हैं हम लोग किस पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। तो इसको करने का तरीका क्या है ये देखिए। तो इस तरह से मैं लिखूंगा एक्स, ठीक है, बटे में यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट्स लेता हूँ, ठीक है, मैं बता दूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, है ना। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने एक्स वाली टर्म ली है, तो मैंने इसको क्या है हाइड कर लिया। इसको हाइड करने के बाद यहाँ पे क्या b1 b2 खाली हमें कोफिशिएंट लिखने हैं, एक्स और वाई नहीं लिखने, है ना। एक्स मैंने ऊपर लिख दिया, इसके बाद देखिए b1 मैंने ऐसे यहाँ पर कॉपी कर लिया, b1 नीचे क्या आ गया b2, इधर क्या c1 c2, हमें क्या ऑर्डर से चलना है, जैसे b1 आया फिर उसके बाद सी, उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी, ठीक है। ये इतना आ गया ए की टर्म इजिकल टू वाई की टर्म क्या आएगी, अब देखिए वाई को मैं छुपा लूंगा, तो वाई को छुपाने के बाद ये आ रहा है पहले, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें ऑर्डर से लिखना। तो बी के बाद क्या आता है c1 c2, ठीक है, उसके बाद सी के बाद क्या है दोबारा से हमें रिपीट हो जाएगा क्या a1 अपॉन में a2, इस तरह से हमें जो है लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 1 ये है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, अब इधर से लिखना है तो क्या आएगा a, सी के बाद क्या आएगा a, हमें क्या लिखना है a1 a2 और b1 अपॉन में b2, ठीक है। तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे और क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में, इसको जैसे क्या करना है हमें इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तभी इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। इसकी इसमें होगी, इसकी इसमें करनी है हमें माइनस, इसकी इसमें माइनस, इसकी इसमें, तो यहाँ आ जाएगा क्या b1 c2 माइनस का b2 c1, है ना। तो ये इसको हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद क्या है y के नीचे क्या आएगा c1 a2 माइनस c2 a1, इसी तरह से हमें चलना है। यहाँ पर आ जाएगा क्या 1 अपॉन क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस का a2 b1, है ना। ये जो आया हमारे पास ये x और y की वैल्यू निकल कर यहाँ से आएंगी, है ना। तो ये कहलाता है क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, हम जो एक्सरसाइज 3.5 है, एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकंड क्या है, ये हमें रखा कितना 2x प्लस का y इजिकल टू 5, उसके बाद रखा 3x प्लस का 2y इजिकल टू 8। ये हमें जो है एक दो इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें पूछा है सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके हल कब होंगे, है ना। तो हल क्या होंगे, यूनिक होंगे या फिर क्या है इनफाइनाइट हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो हम जब लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब लगाएंगे, पहले हम ये चेक करेंगे इसके कोफिशिएंट कैसे आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे a1 अपॉन a2 की, a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 3 इजिकल टू, b1 की वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 2, ये 2/3 है, ये 1/2 है, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जो है हमारे पास सेटिस्फाई कर गई। अब क्या लगाएंगे हम इसमें, अब लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाएंगे देखिए, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास 2x प्लस का y इज इक्वल टू कितना है 5, इधर का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी थी, इसमें हमें लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये वाला है ना। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या हमारे पास x अपॉन में क्या लेना है x की जगह b2 c1, या तो इस तरह से हम लोग लगा निकाल सकते हैं, या फिर क्या करो एक चीज़ और देखना यहाँ पर,
ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो है हमें राइट हैंड पे जो है जीरो करना पड़ेगा। अभी राइट हैंड पे क्या है, फाइव है और एट है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको जीरो करनी है मुझे राइट हैंड के, राइट हैंड लेफ्ट राइट हैंड साइड जो है उसकी तरफ जीरो करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए। तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस का वाई माइनस का फाइव इज इक्वल टू जीरो, इस फाइव को मैं धर ले आया, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस का टू वाई माइनस का एट इज इक्वल टू जीरो, इसको मैं धर ले आया, ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई। तो मुझे जो है राइट में क्या करनी है, मुझे जीरो कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह से करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्या है, बी वन की वैल्यू क्या है, बी वन की वैल्यू जो है वन है, और बी टू बी वन बी टू की वैल्यू क्या है, टू है, सी वन की माइनस फाइव है, और सी टू की क्या है, माइनस एट, ठीक है। ये मैंने इस तरह से कर लिया। अब क्या वाई, वाई के लिए मुझे क्या लेना है, सी वन अपॉन में सी टू, तो सी वन अपॉन में सी वन और सी टू लेना है, तो सी वन की वैल्यू कितनी है, माइनस का फाइव, और सी टू की वैल्यू कितनी है, माइनस का एट। उसके बाद लेना ए वन और ए टू, ए वन की वैल्यू कितनी है, टू, और ए टू की वैल्यू कितनी है, थ्री, है ना, इज इक्वल टू वन। उसके बाद क्या लेना मुझे, ए वन अपॉन में ए टू, ए वन ए टू, ए वन और ए टू की वैल्यू कितनी है, टू थ्री। उसके बाद बी वन अपॉन बी टू, इसकी वैल्यू क्या है, वन, बी वन की वन है और बी टू की टू है, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना था, यहाँ पे जो है क्या है इसका यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन है ना, एक हल है, एक केवल एक हल है, केवल है ना, यहाँ पे लिख लेना क्या, केवल एक हल है, तभी हम लगा रहे हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, एक्स ये कितना हो जाएगा, आठ की माइनस वन में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का आठ, माइनस उसके बाद माइनस की, माइनस फाइव की और टू में करेंगे कितना आ जाएगा, टेन, तो माइनस का टेन इज इक्वल टू वाई, माइनस पाँच की और तीन में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का पंद्रह, माइनस और आठ की दो में करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का सोलह, माइनस का आठ है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दो दूनी चार, माइनस का तीन एकम तीन, ठीक है। अब देखिए तो ये आ गया एक्स, ये होगा माइनस का एट, ये होगा प्लस का टेन, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा वाई, ये हो गया माइनस का पंद्रह प्लस का सोलह, ये हो जाएगा वन अपॉन वन आ गया, ठीक है। चार में से तीन में कितना बचा, एक बच गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करा मैंने, कितना आ गया एक्स माइनस का आठ और प्लस का दस, तो कितना बचा, प्लस का टू इज इक्वल टू वाई, माइनस का पंद्रह और प्लस का सोलह कितना बचा, वन इज इक्वल टू कितना आ गया, वन, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक्स वाई की वैल्यू आई है, एक बार तो मैं इसके ऊपर रख दूंगा क्या, एक्स बाई टू अपॉन में वन, एक रख दूंगा वाई अपॉन में वन इज इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू और वाई की वैल्यू क्या आ गई वन, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू जो है क्या है, यूनिक है, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से जो है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था, ठीक है। तो इसको देखिए समझिए और इसको नोट करिए, फिर आगे एक्सरसाइज पर बढ़ते